स्वदेशी जब सूर्य देवता बनता है, संलेखना पूर्वक आयुष्य पूर्ण करके सूर्य देव बनता है, तो सूर्य देव बनने के बाद सबसे पहले वंदन करने के लिए कहीं पर पहुंचता है तो तीर्थंकर महावीर के पास पहुंचता है। यदि सूर्य देव बनते वो तीर्थंकर महावीर के दर्शन के लिए पहुंचा तो इसका मतलब भगवान महावीर का शासन स्थापन हो चुका था। थोड़ा पढ़ना सीखो। उस समय केशी श्रमण भी थे, लेकिन सूर्याप देवता केशी श्रमण के दर्शन के लिए नहीं गया। किसके दर्शन के लिए गया? तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन के लिए गया। अब कारण आपसे पूछता नहीं क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, तो जब कारण क्या बताओगे आप? मैं तो केवल एक बात के लिए कह रहा हूं कि उस समय भी जिस समय केशी श्रमण ने राजा प्रदेशी को भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में उपासक बनाया, उस समय भी भगवान महावीर का धर्म संघ स्थापन हो चुका था। और इस सारे द्वंद्व के बीच इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर की आज्ञा लेकर के, एक लक्ष्य लेकर के, एक ध्येय लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के, एक प्रयोजन लेकर के भगवान महावीर के पास से विहार कर करके श्रावस्ती नगरी पहुंचते हैं, क्योंकि श्रावस्ती नगरी में केशी श्रमण अपने विशाल विराट धर्म संघ के साथ विराजमान है। इंद्रभूति गौतम सीधे संघ नायक के पास पहुंचते हैं, केशी श्रमण के पास पहुंचते हैं। इधर उधर बात नहीं करते जैसे तुम लोग इधर उधर 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 चमचे हिलाते रहते हो। सीधी बात करते हो। वो सीधा केशी श्रमण के पास पहुंचते हैं। केशी श्रमण के पास पहुंचे और पूरा आगम प्रमाण है, इसलिए पहुंचे हैं, शब्द ध्यान से लेना कि भगवान पार्श्वनाथ का कुल ज्येष्ठ है। पहला कुल किसका है? पहला संघ किसका है? भगवान पार्श्वनाथ का है। बड़ों का सम्मान करने का हौसला छोटों में आ जाए श्रेष्ठ थे इंद्रभूति गौतम, गंधर्व है भगवान महावीर के प्रमुख और वरिष्ठ और ज्येष्ठ शिष्य हैं। होदे के दृष्टि से देखो तो इंद्रभूति गौतम, लेकिन व्यवस्था के दृष्टि से देखो तो केशी श्रमण का कुल बड़ा है। और इसलिए इंद्रभूति गौतम चल करके पहुंचते हैं। दोनों ने परस्पर में मिलने का तय किया। इंद्रभूति गौतम ने कदम बढ़ाए। शांति से सुन रहे और शांति से सुनना। दोनों का धर्म संघ अलग है, दोनों के आगम अलग है, दोनों का प्रोटोकॉल डिफरेंट है, दोनों के महाव्रत डिफरेंट है, और ऐसे समय में इंद्रभूति गौतम को आता हुआ देख करके केशी श्रमण वेलकम करते हैं। तुम्हारे तो आज के सारे साधु साध्वी एक ही आगम को मानने वाले हैं, पांच ही महाव्रत है, प्रतिगमन वही है, पांच समिति तीन गुप्ति वही है, समाचारी मूलभूत समाचारी भगवान महावीर ने दी हुई समाचारी तो वही है, गुरुओं ने बनाई हुई समाचारी अलग हो सकती है, लेकिन भगवान महावीर ने दी हुई समाचारी तो सबकी एक है। एक प्रसंग बताऊं आपको, नाम लिए बिना बताऊंगा, लेकिन
आचार्य भगवंत अहमदनगर में विराजमान थे और गुरुदेव के दर्शन के लिए सभी परंपराओं के संत आते थे। गुरुनदी भी आए, अहमदनगर भी आए, स्थानकवासी भी आते थे, मंदिर मार्गी भी आते थे, दिगंबर भी आते थे, तेरापंथी भी आते थे, हिंदू सन्यासी शंकराचार्य भी आते थे दर्शन के लिए। ऐसे एक संत अहमदनगर पधारे बड़े दूर से चल करके दर्शन के लिए, और गुरुदेव का तो संकेत होता था जो आता है उसका वेलकम करना है। हम गए स्वागत के लिए दूर तक, आए बड़े आराम से बैठे, हम सब छोटे संतों ने उनको वंदना करी, हमसे जितने भी बड़े संत उनमें थे उन सबको हमने वंदना करी, पर उन्होंने केवल गुरुदेव को वंदना करी, बाकी किसी बड़े संत को उन्होंने वंदना नहीं करी। मजा आए। ऐसा ही प्रसंग मेरे में राजस्थान में जोधपुर में भी आया, पंजाब में भी आया, कि गुरुदेव की सिख थी कि जो भी अपने से बड़े हो उनकी वंदना करना, दर्शन करना। उपाध्याय श्री मानचंद जी महाराज साहब अभी नहीं है, मेरा जोधपुर चौमासा था, उनका पाली चौमासा था, मैं पाली से जोधपुर आ रहा था, उनको जोधपुर से पाली जाना था, तो मैंने श्रावकों को कह रखा था कि कहीं संयोग हो जाए तो मुझे दर्शन करने। और संयोग की ऐसी बात कि मैं भगत की कोठी पहुंचा तब तक वो जोधपुर ही थे, तो वहां पर वो बाफना मिल वाले आए और बोले महाराज साहब आपकी भावना है उपाध्यक्ष के दर्शन करने की, तो पधारो मेरे यहाँ है। मैंने कहा आता हूं, अब उसने सोचा आता हूं, बोले महाराज साहब आप क्यों दर्शन के लिए पधार रहे हैं? मैं क्यों पधार रहे, बड़े इसमें दर्शन के लिए आ रहा हूं। बोले लेकिन वो श्रमण संघ में नहीं है। कौन बोल रहा? एजेंट। मैं क्यों एजेंट पर बोलता हूं, कारण बता रहा हूं आपको। बोले वो श्रमण संघ में नहीं। मैंने कहा श्रमण संघ में नहीं होने से क्या वो वंदनीय नहीं है क्या? मेरे से वरिष्ठ है। नहीं, बोले और कोई पर्पज आपका मिलने का? मैं और क्या पर्पज मिलने का होता है? तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ के वायरस। मैंने कहा बोला और कोई पर्पज नहीं, बोला मुझे आना है, आया। फिर धीरे से एक ने कहा कि महाराज साहब आप वंदना करोगे लेकिन उनके संत आपको वंदना नहीं करेंगे। मैंने कहा भैया मैं वंदना करने के लिए जा रहा हूँ, वंदना लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ। अब उसके पास बोलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, उसने जितने रास्ते रोकने के होते थे सारे रास्ते अपना लिया उसने। हम वंदना करने के लिए जा रहे हैं, वंदना लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। और गया मैं आराम से, गया वंदना करी, उनको साता पूछी, बैठे हम 10-15 मिनट, वो एजेंट भी बैठे रहे, क्या बात होती, देखे जरा कुछ बात निकल जाए। हमने कोई उसको जाने के लिए नहीं कहा, बैठा रहे, या वो पंडा ही नहीं है या कौन सी राजनीति करनी जो दरवाजा बंद करके बात करे। वैसे हम तब से रात के भी दर्शन के लिए गए, वैसे हम पंजाब में गए तो सबके दर्शन, जो बड़ा है दर्शन करना है, उनके संत वंदना करे कि नहीं करे उनका सोच, अपने को वंदना करने में क्या पाप लगना है। इंद्रभूति गौतम को आता हुआ देख करके केशी श्रमण ने उठ करके वेलकम किया, स्वागत किया, आएगा मैं और एक पन्ना लाऊंगा आपके सामने, ये तो जिन शासन के हैं। और केवल वेलकम ही नहीं किया तो उनको आसन दिया, 5 प्रकार के आसन होते थे उस समय, सारे आसन उनको दिए, विराजो। मैं बात कर रहा था नगर की, वो संत पधारे, स्वागत किया। अब दूसरे दिन उनका प्रवचन, वहां हमारे वहां जो भी आते दिगंबर आओ तेरापंथी आओ सबका हम प्रवचन कराते थे, और प्रवचन का पट्टा लगा हुआ था।
अब वो संत प्रतिक्रमण होने के बाद मेरे पास आए, बोले प्रवीण ऋषि, मैंने कहा फरमाइए हुजूर। बोले कल प्रवचन रखा, मैंने कहा हाँ रखा है। बोले वो पट्टा थोड़ा सा, ऐसे दो पट्टे थे, बोले थोड़ा वो पट्टा लगा हुआ है ना, वो थोड़ा सा अलग कर ले। बोले मैंने कहा क्यों महाराज, मेरा संगठा होता है, पट्टे का संगठा होता है, किसका संगठा होता है? बोले थोड़ा सा एक चार अंगुल का अंतर कर ले। अभी तो मैं बहुत धीमे बोलता हूं, उस समय तो मैंने उनको सीधा पूछा कौन अछूत है, तुम अछूत कि मैं अछूत, पट्टा अलग क्यों? नहीं, बोले हमारी परंपरा। मैंने कहा आपकी परंपरा तो हमारे यहां की भी परंपरा है, जो भी आएगा एक पट्टे पर बैठ करके व्याख्यान देगा, या अलग पट्टे की परंपरा नहीं है। तुम्हारी परंपरा अलग की है, मेरे गुरुदेव की परंपरा अलग की है, हमने अलग बैठते। यहां विद्यानंद जी आए, मैंने कहा विद्यानंद जी के साथ बैठ करके प्रवचन हुए है, यहां राजेश्वरेश्वर जी आए साथ में बैठ करके प्रवचन हुए है, यहां पट्टा अलग नहीं होगा। मैंने कहा यहां पट्टा मैं अलग करूंगा तो लोग मुझे पूछेंगे उनको अलग पट्टे पर क्यों बैठा है। और आपने देखा है कि राजेश मुनि जी आए तो भी हम एक ही पट्टे पर बैठे, कोई भी संत आ जाए हम तो एक ही पट्टे पर बैठे। उस दिन कमल मुनि जी महाराज सब पधारे, उनके संत आए, गृहस्थी के साथ बैठने पाप नहीं लगे, संत साथ बैठने पाप लगे, कमाल हो गए यार। समझ में नहीं आ रहा कौन सो धर्म थे पाल रिया। मजा, मुझे तुम मजा लेने लगाओ तो मैं तो बहुत मजा लेता हूं। गृहस्थी के घर का हार चलता है, साधु के पात्री का नहीं चलता है। अपने समझ में नहीं आता है। और हम तो जो हमारी समझ है गुरुदेव के जन्मोत्सव पर, जब भी हमने चेन्नई बेंगलोर कहीं पर भी कार्यक्रम किए, सारी परंपराओं के संतों को बुलाया और सबकी हमारी गोत्री एक मांडले पर हुई है। हमने उनको अलग कमरे में बैठा करके आहार नहीं कराया, एक ही मांडले पर बैठ करके गोत्री करी है। राजेश्वरेश्वर जी महाराज साहब ने उनके तपस्या का पारना, साध्वी का पारना मेरे से कराया। तो ये प्रेम होता है। मैंने कहा नहीं हमारा साधन नहीं। बोले फिर ऐसा करते हैं, ये हॉल में जो स्टेज बना हुआ है वहां पर बैठकर करते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो आप स्टेज अलग नहीं कर सकते ना। मजा देखिए, सोच देखिए कि जो ग्रेनाइट का स्टेज बना हुआ है वहां एक साथ बैठा हुआ चलता है, लेकिन पट्टे पर एक साथ बैठा हुआ नहीं चलता। कहीं गले बात उतरती, मजा है। और ऐसी मजा देखते देखते तुम्हारे जवान लोगों ने स्थानक में आना बंद कर दिया। तो केशी श्रीमन ने केवल स्वागत ही नहीं किया, उनको सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक बैठाया। शासन किसको कहते समझना, छोटे ने बड़े का सम्मान करना और बड़े ने छोटे का सत्कार करना। तुम्हारे यहां एक तरफा बात चलती है, छोटा ने बड़ा आदर करना चाहिए और बड़ा ने छोटा ने दुख करना चाहिए। छोटे ने क्या करना है, बड़े छोटे ने क्या करना, उसकी सारा प्रोटोकॉल तुम्हारे पास है। आपके पास प्रोटोकॉल कौन सा है? छोटे ने क्या करना उसका प्रोटोकॉल है तुम्हारे पास, बड़ों ने क्या करना है इसका प्रोटोकॉल। बड़ा करे सको कायदो, लेकिन शासन में बड़ों का भी प्रोटोकॉल है और केशी श्रमण उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। जब बैठते हैं तो इंद्रभूति गौतम से कहते हैं, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी इच्छा हो तो आज्ञा दो। किसको पूछ रहे हो? जरा ये भाषा तुम घर में यूज करके देखो, बोला छोटे के साथ
कि मेरे मन में तुझे लेकर के, तेरे लाइफस्टाइल को लेकर के, तेरे व्यवसाय को लेकर के, तेरे व्यवहार को लेकर के मेरे मन में कुछ सवाल है, तू मुझे उसका समाधान दे सकता है क्या? मैं ये शासन कथा कह रहा हूं आपसे, ये उत्तराध्यन सूत्र में गया हुआ अध्याय 23वां अध्याय है। अगले सवाल जवाब तो सबको पता होंगे, लेकिन शुरुआत का पता नहीं रहता है कैसी चलती बात। पूछामि ते महाभाग, मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारी आज्ञा हो तो। ए मैंने जवाब दे महाभात्रो, किसे बोलो थे? कभी सवाल पूछने के पहले छोटे की परमिशन ली तुमने? ने पूछा, मैंने कुछ पूछा है नहीं ना, छोटा ने कहीं परमिशन लो नहीं। परमिशन किसके लेनी? बड़ों की परमिशन नहीं। छोटा कोई आदमी थोड़ा है, छोटों की परमिशन। और इस तरीके से परमिशन पूछी और फिर पूछते आराम से। अगले सारी चर्चा तो उत्तराध्यन में आएगी तब मैं करूंगा कि मेरे मन में जिन बातों को लेकर के उलझन है उसको लेकर के तुम्हारे मन में उलझन क्यों नहीं है? पहला सवाल क्या है? सवाल भूल जाओ लेकिन बात ध्यान में रखो कि मैं दोनों को अलग अलग देखता हूँ, ये देखता हूँ, व्यवस्था देखता हूँ, दोनों ही तीर्थंकर है, दोनों ही सर्वज्ञ है, दोनों ही समझदार है, सो सयाने एक मत होते हैं, नहीं तो सयाने के सयाने। फिर इन दोनों के अलग अलग विचार देख करके तुम्हारे मन में कंफ्यूजन क्यों नहीं होता है? मेरे मन में कंफ्यूजन है, तुम्हारे मन में क्यों नहीं? और तब इंद्रभूति गौतम उसका कारण बताते कि मुझे कंफ्यूजन क्यों नहीं,